उनके कारण पीठ में दर्द और अनिद्रा भी होती है, यानी कि नींद भी नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें लड़कियों को समझनी चाहिए कि भैया हाई हील पहनने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। नुकसान क्या है, तो आप लोगों के पीठ में दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर नींद भी सही से नहीं आएगी। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 84 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 84 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 83 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे, दोस्त हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार कहने का अर्थ यह है कि मेरा कोई कोई क्वेश्चन तीन तीन बार चार चार बार पूछा गया रहता है, तो कोई कोई क्वेश्चन जो है साथियों रेलवे के द्वारा पहले आठ आठ बार रिपीट किया गया है। जी हाँ साथियों, हम आप लोग को ऐसा भी कवर क्वेश्चन को कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में आठ आठ बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया रहता है। तो ये तो हो गया साथियों सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को कवर कराते हैं। उसके साथ सेकंड नंबर पर हम आप लोग को डालते हैं टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है, तो टीसीएस वाला भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सिलेक्ट करके इस सेट में डालते हैं दोस्तों। और तीसरा नंबर जो टॉपिक रहता है वो रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का इसलिए क्योंकि रेलवे का कोई भी अगर एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो लगभग 30% ऐसा आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ना जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही आधारित रहता है। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी का स्पेशल क्लास भी चालू कर रहे हैं जो कि स्पेशल एकदम रेलवे के लिए रामबाण क्लास रहेगा दोस्तों। तो इसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर और टीसीएस और कोटा वाला इंटरनल क्वेश्चन हम आप लोग के लिए डालते हैं जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स लिया जाता है ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भर्ती में पूछती है। तो ये चारों पांचों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं ताकि आप लोग का जो आगामी एग्जाम है वो बहुत ही ईजी हो सके और आप लोग उसको ईजिली से क्रैक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके जाती हो। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 84 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग सेट नंबर 83 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए लिंक हम प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। और हम लोग ने जीके का भी सेट नंबर 36 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है, उसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं, जाकर के सभी क्लासेस को वॉच करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि नहीं है, नहीं कौन सा है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्त, लकड़ी तो प्राकृतिक स्रोत है, कोयला भी है और सूर्य भी है, ये तीनों जो है प्रकृति के द्वारा ही भैया देन है, हम लोग को ये तीनों बनानी नहीं पड़ती है, तीनों की तीनों मिलती है। ठीक है, सूर्य का रोशनी भी मिलता है भैया, कोयला भी मिलता है और लकड़ी भी मिलता, मगर विद्युत जो है यह प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्तों। विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, विद्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन। आरडीएक्स है, आरडीएक्स क्या है दोस्तों, तो आरडीएक्स आप सभी को मालूम होना चाहिए एक विस्फोटक है। क्या है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है दोस्तों। अच्छा, आरडीएक्स का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो आप लोग क्या बतलाइएगा। देखिए दोस्तों, आरडीएक्स का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। क्या होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आरडीएक्स, आरडीएक्स, आरडीएक्स का फुल फॉर्म दोस्तों रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित के मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है, तो प्लग गेज का उपयोग किसके मापन के लिए होता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा देखिए बेलनों के छेद के लिए। बेलनों के छेद को मापने के लिए यहाँ पर प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की थी, तो उन्होंने क्या चीज का खोज किया था दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि हम बतला दें आप लोग को। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, इन्होंने क्या चीज का खोज किया था दोस्तों, तो इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन। चंद्रशेखर वेंकट
रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, किस चीज में प्राप्त किए हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कवर करा चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए अन्य भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, स्टेट लेवल के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग का बिहार पुलिस में भी शायद कवर कराते हैं, हमें जहां तक ध्यान है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है? कौन से क्षेत्र में किया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने किया था। कौन से क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ को पुरातात्विक महत्व, किसी पदार्थ को पुरातात्विक महत्व यानी कि एंटिक को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए दोस्तों? आयु का मानक पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आप लोग को बतलाएंगे यहां पर। चलिए इतना हिंट दे रहे हैं, 200 वर्ष नहीं, 500 वर्ष भी नहीं है। कार्बन 16 होगा या फिर कार्बन 40, आप लोग तब तक सोचिए। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम नोट्स बता दें, आप लोग जरा इसका राइट आंसर कमेंट करिए। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स तब तक हम दिखला दे रहे हैं, जो आप लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने रामबाण कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें देखिए दोस्तों ये एक नोट्स है, ठीक है? इस नोट्स में आप लोगों के लिए मैंने रामबाण कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग इस नोट्स को लीजिएगा तो इसमें आप लोग को 20,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए ये है सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है? इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने डाला है। सेकंड नंबर टीसीएस पैटर्न का भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। टीसीएस का इसलिए क्योंकि आप लोग की जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी साल 2024 में, इसीलिए टीसीएस का भी क्वेश्चन। तीसरा नंबर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाला है आप लोग के लिए। चौथा नंबर जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम होता है कोटा वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी मैंने डाला है इसमें। यानी कि ये चारों पैटर्न को मिला करके, जो चारों पैटर्न पर आप लोग का रेलवे में के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चारों पैटर्न के मिला करके मैंने एक पीडीएफ आप लोग के लिए अरेंज किया है। इस पीडीएफ में, इस नोट्स में दोस्तों 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप लोग बात करते हैं तो साइंस से आप लोग की 4,000 प्लस क्वेश्चन है, और साथियों जीके से यहाँ पर 8,000 प्लस क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टैटिक जीके से 2,000 क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। और अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ऑफर है दोस्तों, क्योंकि देखिए एनटीपीसी में स्पेशली जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ रहा है। तो अगर आप लोग अभी इस समय में नोट्स लेते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। कंप्यूटर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोग को इसके साथ कॉम्बो कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ठीक है? इस नोट्स को अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग को ₹70 पे करना होगा दोस्तों। मात्र ₹70 में आप लोग को रेलवे के लिए रामबाण पीडीएफ हम अरेंज करा करके दे रहे हैं, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। साइंस जीके, स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग, मैथ का आप लोग का सॉल्यूशन के साथ हम देंगे नोट से, ठीक है? सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, और कंप्यूटर का भी पीडीएफ आप लोग को एक्स्ट्रा में फ्री मिलेगा साथियों, जिसमें कि कंप्यूटर का भी पीडीएफ में आप लोग को अच्छी खासी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं कैसा कैसा है इसमें, तो देखिए दमा एवं खांसी के रोगों के काम में आने वाली औषधि इफेड्रिन जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। इधर देखिए लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। इधर देखिए लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि साल 2024 में इजीली एकदम आप लोग जो है जॉब को प्राप्त कर सके रेलवे में, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7870141238 ये आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया। क्या करना है आप लोग को, इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया हमें 20,000 जो प्लस क्वेश्चन बनाया गया है, 20,000 प्लस क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाया गया है वो रामबाण पीडीएफ जो है हमें अरेंज करवा दीजिए। किसके लिए? तो रेलवे के एग्जाम के लिए। और कितना देना पड़ेगा? तो सिर्फ और सिर्फ ₹70 आप लोग को पे करना होगा साथियों। 20,000 प्लस क्वेश्चन बहुत ही, और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग के लिए बनाए गए हैं, प्रीवियस टीसीएस सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है? और कंप्यूटर का भी आप लोग को साथ में फ्री मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका जवाब देख लेते हैं 6 नंबर का। किसी पदार्थ को पुरातात्विक महत्व एंटिक को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का
कार्बन 14 होना चाहिए। मैंने अभी आप लोग को हिंट दिया था कि यही दोनों में से एक होगा, कार्बन 14 हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों, कार्बन 14। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आप लोग नोट्स ले लिए हैं तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, नोट्स में ये क्वेश्चन कवर कराया गया है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, और ईजी से आप लोग अगर रेलवे में 2024 में जॉब लेना चाहते हैं तो। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है, काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका क्या रूप होगा, कौन सा सही जवाब होगा। एक छिद्र को शुद्ध रूप से फिनिश करने का नहीं, छिद्र के आंतरिक नहीं, छिद्र की गोलाई ठीक करने की नहीं, यहां पर होगा बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे को बड़े करने का, ठीक है। काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है, किस लिए एक ऑपरेशन है दोस्तों, तो बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे को बड़े करने के लिए जो है काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग का असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद में सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं करती है, यानी कि किस कारण जो है टीवी का टेलीविजन का सिग्नल जो है चला जाता है, इसका कारण हम लोग को सही मायने में बतलाना है दोस्तों। तो सही जवाब इसका होता है पृथ्वी की गोलाई के कारण, किसके लिए, तो पृथ्वी के गोलाई का जो कारण है, यही कारण है कि टेलीविजन पर जो सिग्नल है वो कुछ दूरी के बाद जो है सिग्नल कट जाता है, सिग्नल नहीं रिसीव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, पृथ्वी की गोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, छेद बनाने के लिए वर्मा से जुड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों, छेद बनाने के लिए वर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का लेपिंग नहीं, रिमिंग नहीं, ब्रोचिंग नहीं, टैपिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टैपिंग हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। छेद बनाने के लिए वर्मा से जुड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो टैपिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि गैलीलियो एक क्या थे दोस्तों, तो जो गैलीलियो थे यह एक खगोलज्ञ थे, क्या थे, खगोलज्ञ थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्राइंडिंग हिल कोड का पहला प्रतीक है, क्या है दोस्तों, तो ग्राइंडिंग हिल कोड का पहला प्रतीक कौन सा होगा, ब्रांड टाइप तो नहीं होना चाहिए, एब्रेजिव टाइप होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एब्रेजिव टाइप होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था मगर एब्रेजिव टाइप इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ग्राइंडिंग हिल कोड का पहला प्रतीक है एब्रेजिव टाइप, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, परम दाब क्या है दोस्तों, तो परम दाब जो होता है वो क्या होगा आप लोग का, गेज दाब प्लस में वन बार। परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस में वन दाब होता है, परम दाब इज इक्वल टू, अगर कभी भी पूछ दे तो परम दाब इज इक्वल टू गेज दाब प्लस वन बार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होगा, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होगा दोस्तों, तो समान स्तर से नीचे जाएगा, जी हाँ साथियों समान स्तर से नीचे जाएगा, आंधी के आगमन के पूर्व यानी कि आंधी आने से पहले बैरोमीटर में पारे का स्तर जो है समान स्तर से नीचे जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में असत्य को चुनिए, इन चारों में से हम लोग को गलत को ढूंढना है दोस्तों, कौन सा इनमें से गलत होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सही जवाब देख लेते हैं कौन सा गलत होगा। देखिए, हर्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, जी हाँ सही है ये तो, केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही है, बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, नहीं गलत, और कह रहा था कि असत्य को चुने, तो असत्य ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए, कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो बेल वातावरणीय दबाव जो है यह मापन की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यह कथन असत्य है। 15 नंबर, पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में
डैश की मात्रा वायुमंडल में, यानी कि इन चारों में से किसकी मात्रा जो है वो लगभग 78% होती है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को पहले कवर करा चुके हैं, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 78% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है कि मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। तो मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है दोस्तों, गैस का दाब, क्या होगा? गैस का दाब होगा दोस्तों। मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है, गैस का दाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है दोस्तों? तो किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है हमारे छोटे भाइयों? आइए देखिए, बैरोमीटर नहीं, बैरोमीटर से ऊंचाई नहीं, प्लानीमीटर नहीं होगा, अल्टीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्टीमीटर होगा दोस्तों। निम्न में से किसका उपयोग करके ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ से भूचाल को रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ से ध्यान रखना है, सिस्मोग्राफ से किसको रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूचाल को रिकॉर्ड किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब क्या होगा, आइए देख लेते हैं। सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, गलत। जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग दोस्तों जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है, क्या होता है दोस्तों? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है, क्या होता है? सही जवाब उत्तल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है पवन वेग जो है निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो पवन वेग जो है दोस्तों वह किससे संबंधित? पृथ्वी का चक्रण नहीं, पृथ्वी का घूर्णन नहीं, दाब प्रवणता, ठीक है, दाब प्रवणता हो जाएगा। पवन वेग निम्नलिखित किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है दोस्तों, तो किस में पूरा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा पिस्टन के चार स्ट्रोक में होता है, किसमें? पिस्टन के चार स्ट्रोक में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिस्टन के चार स्ट्रोक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, कार्बोरेटर का उपयोग है, कार्बोरेटर का उपयोग है किस लिए होता है दोस्तों? कार्बोरेटर का उपयोग तो देखिए, इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना नहीं, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बोरेटर जो होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो पेट्रोल के साथ में हवा को मिश्रित करने का कार्य कार्बोरेटर का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आप लोग देखते होंगे बाइक वगैरह में चार कार्बोरेटर लगता है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर बियर होता है, क्या होता है दोस्तों क्रेटर बियर? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का टीप होता है, क्या होता है दोस्तों? तो टीप होता है। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि टूल के टिप में होता है, ठीक है, किसके? तो टूल के टिप में होता है। यहां पर देखिए, आप लोग को बतला दें, देखिए टूल के टिप में होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टिप में जो है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टिप में अंग में क्रेटर बियर होता है, टूल के टिप अंग में क्रेटर बियर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एवं समान हो तो ऐसी वस्तु को
क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है साथियों शमांगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शमांगी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं यानी कि आप लोग सही मायने में जॉब को निकालना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, साल 2024 में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोग से बिना निवेदन हमारे छोटे भाइयों एक बात, जिस तरह से हम आप लोगों के लिए डेली पीपीटी बना करके आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, आप लोग से निवेदन है एक बार जरूर वीडियो को अपने सोशल आईडी पर पोस्ट कर दीजिएगा। आप लोग जो भी सोशल आईडी यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, एक बार वीडियो के लिंक को जरूर जरूर वहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी आप लोग के दोस्त मित्र रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास जरूर से जरूर एक बार वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। दोस्तों मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम आप लोग के आगामी आने वाले समय में आप लोग के लिए मैथ रीजनिंग का सारे क्लासेस आप लोग को लिए फ्री में उपलब्ध करा पाए दोस्तों। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं यानी कि सही महीने में आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग से यही निवेदन करेंगे, मन लगाकर पढ़िए, 100% होगा, एकदम बिल्कुल होगा दोस्तों। हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक है क्योंकि, तो हाई हील जो है यह अथवा नुकीले जूते, हाई हील और नुकीले जूते हानिकारक हैं क्योंकि, तो इसलिए हानिकारक हैं क्योंकि उनके कारण पीठ में दर्द होता है और अनिद्रा भी होती है। उनके कारण पीठ में दर्द और अनिद्रा भी होती है यानी कि नींद भी नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें लड़कियों को समझनी चाहिए कि भैया हाई हील पहनने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। नुकसान क्या है? तो आप लोगों के पीठ में दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर नींद भी सही से नहीं आएगी, ठीक है। तो हाई हील का आप लोग जो है सेवन कम करें, ठीक है। चलिए 27 नंबर, किसी प्लानर के कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि के द्वारा होता है। तो किसी प्लानर के कार्य का संपादन जो है या निम्नलिखित विधि के द्वारा होता है, कौन से विधि के द्वारा होगा दोस्तों? तो टेबल की गति के द्वारा होता है, टेबल की गति के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, एक पत्थर या फिर धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है, उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। एक पत्थर या फिर धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमण करे तो उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एस्टेरॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, यदि कोई वातावरण नहीं हो, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी? तो पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि रहेगी साथियों वो सेम रहेगी, वही रहेगी। यदि कोई भी वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि है वो एकदम सेम रहेगी, जैसा रहेगा एकदम बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, नोबेल अल्फ्रेड वार्नार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो थे एक, तो क्या थे दोस्तों? तो इंजीनियर भी थे और केमिस्ट भी थे, इंजीनियर और केमिस्ट दोनों थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों सही जवाब होगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस के अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर लेना है आप लोग को, ठीक है। व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, और बोलिएगा व्हाट्सएप करने के बाद कि भैया 20,000 प्लस जो क्वेश्चन रेलवे के लिए स्पेशल रामबाण पीडीएफ बनाया गया है हमें वो नोट्स दे दीजिए। आप लोग को ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में प्राप्त करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ इस नोट्स के साथ साथ अभी रिसेंटली में अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो अगले 2 दिनों तक आप लोग को जो है इसमें कंप्यूटर का भी जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा क्योंकि कंप्यूटर से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आप लोग को कैसा क्लासेस लगा, कुछ कमी रह जाती है तो वो भी कमेंट करिए, अगले क्लास में आप लोग को वो कमी भी पूरी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।